हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, मेरे साथ में है अंकित मोहन जी। स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। आपने इनको देखा रहेगा पावन खिंड में, बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाया था। सर, आपकी आने वाली जो फिल्म है आज जिसका अनाउंसमेंट हुआ, अप्रैल फूल, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो सर मत बोलो यार, मैं शायद उम्र में 5 साल छोटा ही हूँ तुमसे। यस यस, अभी तो मेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे, मैं ये कह सकता हूँ। नहीं, जोक से पार्ट, बट थैंक यू सो मच। यू नो, लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिकॉग्निशन पाने के लिए इट्स अ वेरी टफ फाइट, बट उस रिकॉग्निशन को पचाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए और आगे ग्रो करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा लोगों का प्यार चाहिए होता है। और वो मुझे किस्मत से मेरे मतलब बीइंग ए नॉन महाराष्ट्रन, मराठी फिल्मों से ज़्यादा मुझे वो मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नई लाइफ है ये, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी इन मराठी इंडस्ट्री। करेक्ट। और सो अब उसके बाद एक अलग जॉनर की यू नो एक फिल्म मुझे मिली है जिसका नाम है अप्रैल फूल। और कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना कि जो लाइफ में आप करना चाहते हैं या आप करने के अंदर आपके अंदर वो कीड़ा होता है, वो कभी ना कभी मिल जाता है। तो जैसे एक्शन का कीड़ा था तो एक्शन फिल्म्स मिली। अब चांदनी चौक में थोड़ा ह्यूमर ना हो चांदनी चौक का तो वो मज़ा नहीं आएगा ना। मतलब कचौड़ी में मतलब सौंट ज़्यादा ना हो तो मज़ा कैसे आएगा मुझे। तो आई गेस वो एक ह्यूमर का जो एक फिल्म है वो मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं पूरा अपना यू नो आई डेफिनेटली गोना पुट माई हार्ट एंड सोल इन इट। और मैं चाहूँगा कि जितनी मेहनत से ये 7 फिल्में अनाउंस हुई हैं, 7 करोड़ 70 करोड़ 7 हज़ार करोड़ लोग उसको देखें और उसको स्प्रेड करें, ताकि जितने लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं उनको यू नो एक तो लोगों के घर चलने वाली बात होती है और एक दूसरा होता है कि उससे लोगों के घर बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इससे सब लोगों के घर बने और अच्छे से बने और बस सब ग्रो करें यार। एब्सोल्युटली सर, जब भी मुंबई में कोई एक्टर आता है एक्टर बनने के लिए, कोई भी व्यक्ति आता है एक्टर बनने के लिए, तो उसका सपना होता है कि बॉलीवुड में काम करें। आपका कैसा? मेरा सपना तो मेरे माता पिता के साथ रहने का था यार। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊँगा भी कभी लाइफ में, बिकॉज आई नेवर एवर थॉट दैट आई विल बी एन एक्टर। क्योंकि स्कूल में वो पतला कांटी सा लड़का अंकित, वो उल्टी सीधी हरकतें करना, यू नो वो सब करना, तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि यू नो कभी एक्टर की एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। और बट जब किस्मत आपसे कुछ मांगती है तो आप उसको देने के इच्छुक हो या ना हो, या आपकी हैसियत हो ना हो, बट वो आपसे ले लेती है। तो किस्मत मुझे दिल्ली से उठा के यहाँ ले आई और उसके बाद की जो जर्नी है वो मुझे लगता है कि लाइफ में थोड़ा सा जब और वैल्यू और वेटेज आ जाएगी, जब कभी हैसियत होगी अपनी बायोग्राफी लिखने की या अपने बारे में कुछ बताने की लोगों को, आई गेस वो अब तक के 15 साल की जर्नी तब लोगों के सामने आनी चाहिए। और बस ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि अब ठान लिया है कि अब कुछ बड़ा करना है। एब्सोल्युटली होगा सर, अभी पावन खिंड में हमने देखा बहुत प्यार दिया लोगों ने। जितने भी मैंने पब्लिक रिव्यूज किए आपको, मतलब उन्होंने रुक के बोला है कैमरे में कि वो बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। वो तो प्यार है यार, और कहीं ना कहीं महाराज ने चुना है तो उनको भी मैं लेट डाउन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अनसंग हीरोज करने को मिल रहे हैं, मतलब शायद मुझे भी नहीं पता थे उनके नाम, या मेरे ख्याल से मोस्टली मराठी लोगों को भी वो अनसंग हीरोज के नाम नहीं थे। फर्जंद की थी तो मैंने लोगों से पूछा फर्जंद, तो उन्हें नहीं पता था, बट वो आने के बाद वो लोगों को पता चला और फिर मुझे उसकी डेप्थ पता लगी कि इन लोगों के सैक्रिफाइसेस क्या रहे हैं और इनके सैक्रिफाइसेस की वैल्यू क्या है। तो मैं जब कहीं जाता हूँ, थोड़े डीप स्कर्ट में जाता हूँ, थोड़ा अंदर जाता हूँ, महाराष्ट्र में ट्रैवल करता हूँ, मैं मतलब मेरी रूह कांप जाती है वो प्यार देख के यार। और सर, मराठी इंडस्ट्री की जर्नी कब शुरू हुई? मराठी इंडस्ट्री की जर्नी कैसे शुरू? मराठी इंडस्ट्री की जर्नी सबसे पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि किसी और यू नो फ्रटर्निटी में काम करने का मौका मिलेगा। बट आई गेस जब रुचि से शादी हुई, मेरी वाइफ हैं जो महाराष्ट्र हैं, अच्छा, तो आई गेस वो यू नो चाबी थी जिस वजह से वो कहीं ना कहीं इतने सालों से रुकावट आ रही थी, मगर अब वो रुकावट खुल गई। और यू नो आपको एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है, एंड आई थिंक मेरे माता पिता, मेरे घर वाले, यू नो माई वाइफ, माई पार्टनर, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं आपके, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि लाइफ में ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स मेरे साथ हमेशा रहें, ताकि जो मैं मेहनत करना चाहता हूँ उसके पीछे जब मैं मुड़ के देखूँ तो एटलीस्ट अगर कोई ना भी हो तो मेरी फैमिली हो। चलिए,
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सारे दर्शकों को बोलना चाहूँगा अंकित मोहन जी की आने वाली फिल्में ज़रूर जाके देखना, और हम आएंगे आपका रिव्यू लेने। करेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।